आज हम लोग पढ़े हैं क्लास फोर से तरह तरह के पक्षी। पक्षी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं जी? Bird. क्या बोलते हैं? बर्ड। इंडिया में किनको बोलते हैं जी बर्ड मैन? सलीम अली को। इनका जन्म कहाँ हुआ था? मुंबई में। मुंबई में। अच्छा, पक्षी के जो अलग अलग पक्षी होते हैं तो उनका चोच अलग अलग होता है कि एक ही जैसा चोच होता है? अलग अलग। चोच को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? और क्या बोलते हैं? बिल। बिल। और रोस्टर। क्या बोलते हैं? रोस्टर। अच्छा, पक्षी अपने चोच का इस्तेमाल क्या के लिए करते हैं? दाना चुगने के लिए। बारी बारी से। हाँ, दाना चुगने के लिए। और बच्चों को खाना खिलाने के लिए। बच्चों को खाना खिलाने के लिए। और खाना पकड़ने के लिए। खाना पकड़ने के लिए। और खाना खाने के लिए हो गया। और दूसरे पक्षियों को चोच मारने के लिए। और प्रीनिंग करने के लिए। प्रीनिंग बताए थे, अपने पंखों की सफाई करने के लिए। अच्छा, पक्षी को और क्या क्या बोलते हैं? मतलब पक्षी का पर्यायवाची क्या है? चिड़िया। चिड़िया। और खाग। और परिंदा। और बोलिए बोलिए गगनचर। और नभचर। ठीक है, मतलब अलग अलग नाम से पक्षी को जानते हैं। पक्षी का पंजा जो होता है वो एक ही होता है कि अलग अलग होता है? अलग-अलग। तो बत्तख का पैर कैसा होता है जी? झिल्लीदार। कैसा होता है? झिल्लीदार। झिल्लीदार क्यों होता है? पानी में तैरने के लिए। बत्तख के चोच में छेद होता है? yes, क्यों होता है छेद? yes, मछली जब पकड़ते तो पानी उससे बाहर आ जाता है। मछली पकड़ते पानी उससे बाहर आता है। आपके हाथ में कौन सा पक्षी जी? इंडियन ओरल। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? नीलकंठ। नीलकंठ। आपके हाथ में क्या है? क्या जी, कौन सा पक्षी है ये? कौन सा पक्षी है? नाइटिंगल। बुलबुल। आपके हाथ में क्या है? पिजन। आपके हाथ में कौन सा पक्षी है? क्रेन। क्रेन। क्रेन मतलब सारस। क्या होता है? सारस। आप जो पक्षी लिए हैं जी, कौन सा पक्षी है दिखाइए? कौन सा पक्षी है? हमिंग बर्ड। क्या है? हमिंग बर्ड। इसका चोच होता है लंबा और नुकीला। क्या पीने के लिए? फूलों का रस पीने के लिए। आप कौन सा पक्षी लिए हैं? पैरोट। पैरोट। इसका चोच कैसा होता है? कैसा? हुक जैसा। हुक जैसा क्यों होता है? फल के गुदे निकालने के लिए। फल का गुदा निकालने के लिए, मजबूत मेवा अखरोट को तोड़ने के लिए। आपके हाथ में कौन सा पक्षी है जी? कौन सा पक्षी है? टेलर बर्ड। क्या है? आप कौन सा पक्षी ली हैं? डब। क्या है? डब का हिंदी क्या होता है? डब को हिंदी में क्या बोलते हैं? पंडुक। पंडुक। और फाकता क्या बोलते हैं? फाकता। तो दैट्स ऑल। थैंक यू।